दोस्तों, आपने जी टीवी का बेहद पॉपुलर शो सपने सुहाने लड़कपन के तो जरूर देखा होगा। ये सीरियल टीवी इंडस्ट्री के बेहद पसंदीदा सीरियल्स में से एक था, जिसने लगभग 3 सालों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। ये सीरियल साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित किया गया था और साल 2015 में सीरियल का अंतिम चरण पेश किया गया था। इस सीरियल में सभी कलाकार अपने किरदारों को बेहद खूबसूरती से निभाते हुए नजर आए थे, जिसके चलते ये सीरियल टीआरपी के मामले में ऊंचाइयां छू रहा था। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल में काम करने वाले कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि उनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताने वाले हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं और स्टाइलिश हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6, अंकित गेरा। इस सीरियल में अभिनेता अंकित गेरा ने मुख्य अभिनेता के तौर पर मयंक गर्ग का किरदार निभाया था, जो गुंजन का पति होता है। इन्होंने सीरियल में एक पति की भूमिका को बेहद शानदार तरीके से पेश किया था और दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की थी। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी की, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है, लेकिन हाँ, ये वर्तमान में किसी को डेट जरूर कर रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस सारा खान है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। नंबर 5, महिमा मकवाना। इस सीरियल में रचना दयाल का जबरदस्त किरदार अभिनेत्री महिमा मकवाना ने निभाया था, जो शैल दयाल गर्ग की बेटी होती हैं। इस सीरियल में इनके इस किरदार को खूब पसंद किया गया था, जिसके चलते ये खूब फेमस हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेत्री के पति की, तो आपको बता दें कि अभी तक इन्होंने अपना जीवन साथी नहीं चुना है, लेकिन हाँ, वर्तमान में ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जरूर हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इनके को-स्टार अंकित स्विच हैं। इन दोनों ने सीरियल रिश्तों का चक्रव्यूह में साथ काम किया था और यहीं से इन दोनों के प्यार की दास्तान शुरू हुई थी। नंबर 4, पीयूष सचदेव। इस सीरियल में अभिनेता पीयूष सचदेव ने सहायक अभिनेता के तौर पर कबीर का जबरदस्त किरदार निभाया था, जो रचना दयाल से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन्होंने अपने इस किरदार को बेहद शानदार तरीके से निभाया था और दर्शकों से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। लेकिन अगर बात करें इस दिग्गज अभिनेता की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम आकांक्षा रावत है, जिनसे इन्होंने साल 2012 में शादी की थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इनकी शादी कुछ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी और साल 2015 में ही दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया था। नंबर 3, आंचल खुराना। इस सीरियल में चारू मयंक का नेगेटिव किरदार अभिनेत्री आंचल खुराना ने निभाया था, जो मयंक गर्ग को पाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचती हैं। इस सीरियल में इनके इस नेगेटिव किरदार को खूब पसंद किया गया था, जिसके चलते लाखों लोग इनके फैन बन गए थे। लेकिन अगर बात करें इस मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के हस्बैंड की, तो आपको बता दें कि ये अभी शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं और ना ही वर्तमान में ये किसी को डेट कर रही हैं। फिलहाल ये अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हैं और लगातार कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही हैं। नंबर 2, वैष्णवी। इस सीरियल में अभिनेत्री वैष्णवी ने सहायक अभिनेत्री के तौर पर शैल दयाल गर्ग का किरदार निभाया था, जो रचना दयाल की माँ और गुंजन मयंक की मासी होती हैं। और इस सीरियल में इन्होंने एक माँ और मासी दोनों का किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया था और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। लेकिन अगर बात करें जबरदस्त अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम लेस्ले मैकडोनाल्ड है, जिनसे इन्होंने काफी समय पहले शादी की थी और आज इस शादी से इनकी एक प्यारी सी बेटी है, जिनका नाम मार्गरेट मैकडोनाल्ड है। आपको बता दें कि लेस्ले प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है, जो अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। नंबर 1, रूपल त्यागी। इस सीरियल में गुंजन मयंक का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम रूपल त्यागी है, जो सीरियल में मयंक गर्ग की वाइफ होती हैं और सीरियल में इनके इस खास अंदाज को खूब पसंद किया गया था, जो सच में तारीफ़ काबिल है। लेकिन अगर बात करें इस मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के हस्बैंड की, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है, लेकिन हाँ, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जरूर थी और वो कोई और नहीं बल्कि इनके को-स्टार अंकित गेरा हैं। लेकिन कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ही इनका रिश्ता टूट गया था। फिलहाल रूपल त्यागी अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के में इन कलाकारों में से किस कलाकार की एक्टिंग जबरदस्त लगी थी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।